जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं, वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। सुंदर मन के बिना सुंदर चेहरा कांच की आंख जैसा है, वह चमक तो सकती है लेकिन देख नहीं सकती। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। आपके पास समय बहुत सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज ढल के भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। संभल कर चलना सीख लीजिए, यहाँ गिराने वाले कभी कभी नहीं बल्कि हर रोज मिलते हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। कभी कभी कश्तियाँ भी बच जाती है बड़े से बड़े तूफान में, पर अक्सर हस्तियाँ डूब जाती है अपने ही अभिमान में। हो सके तो अकेला रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज़्यादा डिपेंड रहोगे वही आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, पैसे भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। अक्सर खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें नहीं समझते हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं। याद रखना, मन वो सफ़ेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। याद रखना, जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही रिश्ता ना निभाने का हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को भी देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है परंतु आंखें कभी कभी। हद से ज़्यादा मीठा होने का नुकसान गन्ने से बेहतर कौन जानता होगा। जिसे रोज काटा और निचोड़ा जाता है वो भी आखिरी बूंद तक। मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा। दुनिया में कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। जीवन की वास्तविकता कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि समय हमें वहीं ले जाता है जहां हमारा जाना तय होता है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे पर काबिलियत जरूर साथ देती है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं बस मन चाहिए। रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे, बस हौसलों का धन चाहिए। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि दुश्मन बनाने के लिए आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोले
बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। वक्त बदल जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। आप अगर किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। शब्दों में धार नहीं आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। कभी खुशहाल कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी की सड़क है दोस्त, धीरे धीरे ही पार होगी। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, किसी के दिल में घर बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है।